नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोरोना महामारी के कारण जहां पूरे शहर में अनेकों समाज सेवी संस्थाएं भारी संख्या में मजदूरों, गरीबों और जरूरतमंदों की भूख मिटाने के लिए सुबह भोजन व अन्य सामग्री वितरित करते हैं, वहीं दूसरी ओर अनेकों ऐसे जीव जंतु हैं जो भूख और प्यास के कारण तथा दुखी और परेशान होकर व्याकुल होकर इधर उधर भटकते रहते हैं ताकि कहीं ना कहीं मानव आबादी खुली नजर आए, कोई फिरता नजर आ जाए। ऐसी स्थिति में शहर के एक समाज सेवी एवं जीव जंतु प्रेमी सुनील द्वारा स्थानीय गीता भवन मंदिर के प्रांगण में रहने वाले अनेकों बंदरों के लिए सुबह केले, भुने हुए चने और रोटियां आदि खिलाने का संकल्प लिया गया है ताकि इस संकट की घड़ी में वे बंदर भूखे न मर जाएं। सुनील जैसे ही केले, भुने हुए चने और पैकेट लेकर गीता भवन के प्रांगण में आता है तो उसे देखकर भारी संख्या में छोटे बड़े बंदर आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। सुनील कुमार अपने हाथों से केले छीलकर और भुने हुए चने बंदरों को खिलाते हैं, जिसे खाकर बंदर खुशी से पेड़ों की डालियों पर इधर उधर मस्ती से छलांग लगाते हैं। सुनील कुमार ने बताया कि लॉकडाउन होने के पश्चात उन्होंने देखा कि गीता भवन के प्रांगण में रहने वाले बंदर भूख के कारण व्याकुल नजर आए। उसने उसी दिन अपनी जेब से और समाज सेवा से एकत्र दान तथा संघ के सहयोग से बंदरों को सुबह शाम केले और भुने हुए चने और रोटियां इत्यादि का प्रबंध करना शुरू कर दिया। अब ये सारे बंदर मानो उसके मित्र बन गए हैं। उन्होंने बताया कि मैं अपने हाथों से इन्हें चने और केले खिलाता हूँ और हर एक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के बनाए हुए इस जीव की सभी को ख्याल रखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य भी है। वहीं दूसरी ओर समाज सेवी और जीव जंतु प्रेमी पवन आहूजा और मदन खुराना ने भी बताया कि मानवता की सेवा भी इसी में है कि वो सब जीव जंतुओं की सेवा भी करे। बंदरों को चने, केले और कुत्तों तथा गायों को रोटी व अन्य चारे की व्यवस्था सभी को करनी चाहिए अपने स्तर पर, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ये जीव खाद्य सामग्री के बिना भूखे मर जाएंगे। आप देखें पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जो पूरे विश्व में ये बीमारी एक कोरोना नामक, मैं इसको वायरस नहीं कहूँगा, ये दानव है जो जिस वायरस ने पूरे विश्व में लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है और कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने और जितनी भी समाज सेवी संस्थाएँ हैं जो लोग भोजन से वंचित रहते हैं उनके लिए जगह जगह भोजन की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीव जंतु, ये बंदर, गली के आवारा कुत्ते, गायें, कहीं ना कहीं ये भुखमरी के कारण भटक रहे हैं दोस्तों। और मैं डेली आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि अपने घरों से निकल के आसपास जो भी कुत्ते हैं, बंदर हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। ताकि मैं कई दिनों से एक मंदिर में आता था, गीता भवन मंदिर में, तो यहाँ जब इन बंदरों को देखता था तो ये भूख से तड़प रहे थे, तो कुछ लोगों के माध्यम से और मैंने अपनी पॉकेट मनी के माध्यम से इनकी सेवा करने के लिए एक संकल्प लिया और कहीं ना कहीं आज मेरी इनसे इतनी लगाव हो गया, इतनी दोस्ती हो गई है, ये मेरे आज दोस्त बन गए हैं। और मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं इन बेजुबानों, जीव जंतुओं का सहारा बनो, इनको भी ज़रूरत है, ये भूख से ना मर पाएं, क्योंकि इस सृष्टि का ये नियम है, परमात्मा ने प्राण सभी के अंदर दिए हैं, चाहे वो जीव हो चाहे वो जंतु हो, हम सबका एक कर्तव्य है, एक फर्ज है कि ये भी भूख से कहीं ना कहीं ना मरे। धन्यवाद। देखो, जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है, मैं इनको जो भोजन है या केले हैं, जो भी इनको खाने के लिए अच्छा लगता है, चने हैं, रोटी है, कुछ भी है, मैं डेली इनकी सेवा करता हूँ और यहीं गीता भवन मंदिर के अंदर निस्वार्थ भाव से इनको खाना खिलाता हूँ। देखिए, अब आप जानते हैं गीता भवन से 32 सामाजिक संस्थाएं मिलकर भूखे लोगों के लिए खाने का विशेष प्रबंध कर रही हैं। इनके साथ साथ हमने यहाँ पर भूखे जीव जंतुओं के लिए भी विशेष प्रबंध किया हुआ है। इनके लिए दोनों टाइम का केले, छोले, गुड़, जो भी व्यवस्था हो सकती है, ये सब इनको नित्य प्रतिदिन बिना किसी
उसके पर दिया जा रहा है रेगुलर, और यहाँ पर हर रोज कम से कम 50 से 100 बंदर सुबह शाम आते हैं, उनको दोनों टाइम का फ्रूट और छोले गुड़ डाला जाता है। साथ में और भी कहीं हमारे को कोई जंतु जैसे कुत्ता है, गाँव है, कोई भूखा मिलता है, उनके लिए चारे की खा रोटी की व्यवस्था उनके लिए भी बराबर से की जा रही है। तो क्या ये अपील करते हैं जी, हम लोग परमात्मा की दया से सब दोनों टाइम तीनों टाइम का बढ़िया खाना खा रहे हैं। खाने से पहले एक रोटी गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए, बंदरों के लिए, क्योंकि ये प्राणी भूखे हैं, इन तक खाना पहुंचाना बहुत मुश्किल है। इनके लिए लोगों से यही अपील है कि एक एक रोटी भी अपने हिस्से की निकाल के रखेंगे तो भी इनकी बड़ी समाज सेवा हो जाएगी। दिन खुराना बोल रहा हूँ, पहले तो हम इंसानों को खाना दे रहे हैं, उसके बाद बंदर कुत्ता गाय पशु जो भी है इनको दे रहे हैं कि ये इनको भी भूखा ना रहने देना। और इसके अलावा जो भी हमारे से समाज सेवा हो सकती है हम दिल तन मन धन से ये सेवा कर रहे हैं, और दिन रात एक बराबर कर रखा है कि किसी को भूखा नहीं सोने देना। ये जो जीव जंतु है ये भी भगवान के बनाए हुए हैं, इनको भी खाना हर चीज की जरूरत होती है, इनको भी देना हर हर इंसान की तमन्ना है कि इनको भी भूखा ना सोने देना।